मेरे लिए तो बहुत बहुत ही खुशनसीबी है मेरी कि मैं आज इस शाम का एक हिस्सा हूँ. मैंने होस्ट किया है, कंपेयर करने का मौका दिया मुझे संदीप सुपारकर ने. और वो मैंने तो उनको बचपन से एक गुरु समान देखा है क्योंकि मैं खुद एक कथक नृत्यांगना हूँ. जैसे कहते हैं ना कि वो मेरी आइडल रही हैं, तो बहुत बहुत अहमियत रखती हैं हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए, क्लासिकल डांस फील्ड के लिए. और अब जिस मुकाम पर वो हैं, संसद हैं, तो आई एम श्योर कि हमारे भारत के लिए एक जो खुद एक रिप्रेजेंटेटिव बन रही हैं पूरे संस्कृति के लिए, ये इससे बढ़िया चुनाव शायद ही नहीं हो सकता. सो आई एम रियली हैप्पी कि वो उन्हें चुना गया है. सो उनकी इस खुशी का मैं एक हिस्सा बन पाई हूँ, तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ. पहली बार कब मुलाकात? एक्चुअली वैसे देखा जाए तो काफ़ी बार, काफ़ी फेस्टिवल्स में सालों से हो चुकी है, लेकिन ये वाली मुलाकात यादगार रहेगी क्योंकि पिछले कई सालों से नहीं मुलाकात हुई थी और आज इस तरीके से हुई है जहाँ मैं उनके ऑनर का एक हिस्सा बन पाई हूँ, तो डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी. हाँ बिल्कुल लगता है, आज नहीं काफ़ी सालों से यही हो रहा है, बट हैं काफ़ी लोग हैं जो हमारा यूथ है जो इंटरेस्टेड है. और मैं चाहती हूँ कि और भी ज़्यादा थोड़ा सा अगर रियलिटी शोज़ में एक क्लासिकल के ऊपर रियलिटी शो की जाए तो उससे बेहतरीन और बात नहीं हो सकती. ऑब्वियसली बॉलीवुड तो है ही, बॉलीवुड का इम्प्रेशन तो है ही. और मैं ये नहीं कहूँगी कि बॉलीवुड ही एक इम्पॉर्टेंट जरिया, आजकल तो सोशल मीडिया ऑन द होल, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन द होल बहुत बढ़ चुका है. सो ये हमारे ऊपर है, निर्भर करता है कि हम किस तरह से उसे बैलेंस करें. जी ऑफकोर्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैंने हाँ जी बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ. बहुत ही उम्दा कास्ट है और बहुत ही बढ़िया फिल्म है, हम सब की फिल्म है.